गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ संजय कुमार गुप्ता, मैथ्स एंड साइंस टीचर इन सेंट माइकल्स एकेडमी बेतिया। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू नो अबाउट लाइट, सम स्पेसिफिक फीचर ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड सम न्यू मोर। सो व्हाट डू यू मीन बाय लाइट? How it is helpful to us, about them we are going to know in this part. So light is a source of energy. As the term energy tells us that anything that has capacity to do work is called energy. So light has also a quality, it helps us to look everything what are around us, and so it is said that light is a form of energy which sensitizes the sense of vision and makes us able to see. So light cannot be seen but be felt by us when it makes visible the object on which it falls. चलिए, प्रकाश को क्या है, हम देख तो नहीं सकते हैं, हम इसके उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। कब? जब यह किसी वस्तु पर गिरता है और फिर वहां से वह प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं और हमारी आंखों में जब पहुंचती हैं तो उनका एक इमेज हमारी आंखों में तैयार होता है और तब हम उस चीज को देखने में समर्थ हो पाते हैं। एज इन द पिक्चर यू कैन सी दैट द रेज ऑफ द सन विच आर इंसिडेंटिंग ऑन the different object and then they are reflected from them to our eyes or a viewer's eyes, and after that the person who is getting the rays of light after the reflection of that object able to see. So objects on the basis of emitting light are divided in two parts, first luminous and second non-luminous. As you know, there are various objects, some of them can emit light, they produce light, they have power to produce light and they are called luminous. And aise vastuen jo prakash ko paida karte hain unko hum luminous kehte hain, and वैसी वस्तुएं जो प्रकाश को पैदा नहीं करें उनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के नाम से जाने। तो अब ल्यूमिनस में क्या होगा? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट नेचुरल एंड सेकेंड आर्टिफिशियल। सो इन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट सन, स्टार्स एंड फायरफ्लाई कम, व्हाइल इन आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट कैंडल, बल्ब, लैंप, ट्यूबलाइट, फायर एटसेट्रा कम विच प्रोवाइड अस लाइट टू सी। बट ऑब्जेक्ट विच आर नॉन ल्यूमिनस दे हैव नो पावर टू प्रोड्यूस लाइट एंड दे आर लुक बाय अस, दे कैन बी सीन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट व्हेन they get light from the luminous object and reflect them. And जब ये वस्तुएं किसी प्रकाश के स्रोत से प्राप्त प्रकाश को प्राप्त करके हमें प्रदान करती हैं तो वह भी हमें चमकते हुए से महसूस होती है। As a natural substance, moon can be seen luminous, but it is not a luminous। सेम थिंग
as you can see, whatever around you are non-luminous, but they can be seen by us. Now, on the basis of passing light, substances are divided in three parts: transparent, translucent, and opaque. Means transparent are those objects which pass all light which they get without any hindrance. Means they pass all the light through them. यानी वैसी वस्तुएं जो अपने से सारे प्रकाश को जाने दें उनको हम ट्रांसपेरेंट या पारदर्शक वस्तु कहेंगे. While translucent are those which pass a part of light. Through them are called translucent. And another is opaque, means object which do not pass any light through them. तो ऐसी वस्तुएं जो अपने से सिर्फ प्रकाश के एक हिस्से को जाने दें उनको हम पारभाषक कहेंगे, और ऐसी वस्तुएं जो अपने से प्रकाश को जाने ही ना दें उनको हम अपारदर्शक वस्तु के नाम से जानेंगे. एज ग्लास, इट पास होल लाइट थ्रू इट. अनपॉलिश्ड ग्लास जो कि अपने से पूरे लाइट को जाने देता है. एंड दिस इज व्हाई व्हेन वी कीप अ ग्लास एज स्पेक्टल्स आर एबल टू पास होल लाइट थ्रू देम एंड वी आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट विच इट कीपिंग विच हैज बीन केप्ट बिफोर इट विदाउट एनी हिंडर. एंड सो इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. एंड ट्रांसलूसेंट मीन्स सैंड ग्लास, आइली पेपर. दीज ऑब्जेक्ट कैन नॉट शो ऑल द लाइट ऑल द ऑब्जेक्ट क्लियरली, बट वी सी एनी ऑब्जेक्ट थ्रू देम एज डिम एंड सो दे आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट. क्योंकि इनसे हम पूरी तरह से उस वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं. एंड ओपेक ऑब्जेक्ट व्हेन वी कीप अ बुक बिफोर अस वी आर अनेबल टू सी व्हाट हैज बीन केप्ट बिफोर इट. तो इसके सामने कौन सी चीज रखी हुई हम देखने में असफल इसलिए होते हैं क्योंकि यह प्रकाश को जाने नहीं देते. नाउ सम बेसिक फीचर्स ऑफ लाइट ऑल्सो. एज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है. एंड दिस इज द रीजन व्हेन यू आर लुकिंग एनीथिंग थ्रू अ पाइप यू आर अनेबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट व्हेन यू बेंड योर पाइप. As you have seen about it in class 6. And this happens because light always travels in a straight line. Second one is that light travels at the speed of 3×10⁸ meter per second. यानी प्रकाश एक सेकेंड में 300,000 किलोमीटर की दूरी को तय करती है. सो इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ एनर्जी एंड नथिंग इज देयर विच कैन फास्ट एज लाइट कैन. इवन दिस स्पीड कैन बी फाउंड इन वैक्यूम एज वेल एज स्लाइट डिफरेंसेस मे बी इन एयर, बट इट इज नेग्लिजिबल. सो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो अबाउट reflection we will read in the next video.